हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्टैटिक की वीडियो में थोड़ा सा गैप जरूर आ गया है, क्योंकि न्यू एरा मैथ्स ऐप पर भी जो एडवांस कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्सेज पैरेलल चल रहे हैं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड जो स्टैटिक का हम कर रहे थे, लास्ट जो वीडियो हमारी थी, लैम्डा म्यू थ्योरम बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे, उसी का कुछ पार्ट आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसका नया टॉपिक यानी नेक्स्ट लेक्चर में जो हो नया टॉपिक स्टार्ट होगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कॉन्टिन्यूशन में आपको स्टैटिक की वीडियो प्रोवाइड करूँ, ठीक है? चलिए भाई, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आज हमारी न्यू एरा फैमिली में 24,000 सबो मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम एंड बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जो वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई, आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एंड ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। मीन्स हमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना के चलते हैं हम किसी भी टाइप का ले लीजिए, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, कोई हम ये ले लेते हैं। ये हम साइड्स मुझे दी गई हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है? और कहते हैं कि ई एफ जी एच, ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स हैं किसके? ए बी साइड, बी सी, सी डी एंड डी ए। ए बी का जो मिड पॉइंट है ये क्या है? ए बी जो साइड है इसका मिड पॉइंट हमें ए दिया गया है। एफ जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ पॉइंट ई। एफ हमारे पास है बी सी का मिड पॉइंट, दिस इज एफ। जी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, यहाँ पे हम जी ले लेते हैं और यहाँ पे हम एच ले लेते हैं। दीज आर द मिड पॉइंट्स, है ना? इन मिड्स कहता है कि शो दैट द फोर्सेज रिस्पेक्टिवली बाय ई जी एफ एच एंड डी बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विल कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो हमें तीन फोर्सेस दिए गए हैं, ई जी, ई से जी तक। मीन्स अगर मैं इस लाइन को मीट करती हूँ, डार्क डार्क लाइन मैंने मीट की यहाँ पे, ई से जी, डायरेक्शन भी आपको यही लेके चलनी है, ई जी। एफ एच, एफ पॉइंट हमारा, एफ ये पॉइंट है, एच, एफ एच पॉइंट। और फिर कहता है डी बी, डी बी इज दिस डायगोनल, दिस डी बी और एफ से एच, ये हमें जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया गया है, डी से बी हो गया, एफ से एस, ठीक है जी। कहते हैं कि इसको आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में शो करना है। तीनों फोर्सेस अगर एक पार्टिकल पर एक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने चाहिए, ठीक है? मीन्स इसका एडिशन करेंगे तो रिजल्ट हमें ज़ीरो मिलना चाहिए। ओके, देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इन पॉइंट्स को मीट कर दीजिए, जी से एच को मीट किया हमने, एच से ई पॉइंट को मीट किया और एफ से ई पॉइंट को मीट किया। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मीट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हमने यहाँ पे ली थी, इनके पॉइंट्स को हमने जब मीट किया तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो एफ ई एफ जी एच, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ये क्या बनता है? पैरेललोग्राम बनता है यहाँ से, ठीक है? मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ये जो हमारे पास डायग्राम आएगा कुछ इस टाइप से, ई एफ जी एच, जो डॉट डॉट वाला मैंने यहाँ पे लगाया है, ये क्या हो, ये बनेगा यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ऐड करते हैं। फिर हम क्या क्या कर ज्वाइन करते हैं, सॉरी ऐड नहीं, हमें यहाँ पे और क्या देखना है भाई, जो डी बी डायग्राम आप देख रहे हो और हमने मिड पॉइंट को जो मीट किया है, यानी ई जो डी बी डायगनल है, डी बी की लेंथ है, ये इक्वल होगी किसके? टू टाइम जी एफ, टू टाइम जी एफ। और क्योंकि पैरेललोग्राम ये बनेगा यहाँ से, पैरेललोग्राम, सो यहाँ से जी एफ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं टू टाइम एच ई, ठीक है? तो ये जो डायगोनल होता है ये डबल होता है इस लाइन का और इस लाइन का, कंप्लीट ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं भाई, अभी जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें बताना है कि ई जी, ई एफ और डी बी के जो अलोंग आपने फोर्सेस, यानी कि मुझे जो प्रूव करना है, मैं पहले वो लिख देती हूँ, प्रूव दैट
इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने चाहिए तीनों फोर्सेस, ई जी प्लस एफ एच प्लस डी बी इज इक्वल टू जीरो, मुझे ये प्रूव करना है. ओके तो मुझे ई जी एफ एच और डी बी की वैल्यू चाहिए यहाँ से. सो यहाँ पे हम ट्रायंगल देखते हैं ई एफ जी में, ई एफ जी ठीक है. यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन बताऊँ तो ई से एफ ये डायरेक्शन जाएगी, एफ से जी दिस डायरेक्शन. क्लियर? तो ये इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई एफ जी बाय ट्रायंगल ला अगर मैं अप्लाई करती हूँ, बाय ट्रायंगल ला ई जी इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये डायरेक्शन प्लस ए डायरेक्शन इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट क्या है, ई जी इज इक्वल टू ई एफ प्लस एफ जी, इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ई एफ एच, ई एफ एच यहाँ भी हम ट्रायंगल अप्लाई करते हैं. अब यहाँ से हमने ये क्यों लिया है, ई एफ एच ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये इंक्लूड करना है और ये फोर्स इंक्लूड करना है, ठीक है, इसलिए हमने ट्रायंगल ई एफ एच लिया है. ओके तो यहाँ ला हम देखते हैं, अगर मैं ये डायरेक्शन लेती हूँ तो ट्रायंगल ला इसकी वैल्यू इक्वल टू नहीं ले सकते हम. आप यहाँ पे जो देख रहे हो ट्रायंगल दिस ई एफ एच, समझ गए, ई एफ एच, इसमें हमें इसके इस फोर्स को इक्वल लेके चलना है. इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, एफ ई प्लस ई एफ इक्वल टू आएगा एफ एच. क्लियर? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एफ एच की, ना कि एच एफ की चाहिए, ठीक है. तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे कि अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो यहाँ से मैं क्या लूँगी ट्रायंगल ला में, जैसे मैंने ट्रायंगल ई एफ जी में लिया था तो मैंने यहाँ पे ई एफ डायरेक्शन ली थी, है ना. लेकिन अगर मैं ट्रायंगल ई एफ एच में देखूँ तो मुझे वैल्यू चाहिए एफ एच की. एफ एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, अब ये डायरेक्शन तो हमें पता है, ये तो यही रहेगी, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन इन लाइन्स को हम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ला हम चेंज कर सकते हैं. मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ एफ ई प्लस, ये अगर मैं इसकी ये डायरेक्शन ले रही हूँ तो इसकी ये डायरेक्शन जानी चाहिए, है ना. दो साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, ई एच ये ट्रायंगल ला होता है, ठीक है. तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाती है. इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ से मिलेगी, एज वी नो डी बी इज इक्वल टू टू टाइम जी एफ, क्लियर, या टू टाइम एच ई, कोई भी ले सकते हो आप, जी एफ एच ई इसमें से कोई भी ले सकते हो. यहाँ पे हमने जी एफ ले लिया है. ओके तो ये आ जाता है इक्वेशन नंबर थर्ड. तीनों को ऐड कर दीजिए, ई जी प्लस एफ एच प्लस डी बी इज इक्वल टू ई जी की वैल्यू ई एफ प्लस एफ जी प्लस एफ एच की वैल्यू पुट करें, एफ ई प्लस ई एच एंड प्लस टू जी एफ, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं ई एफ और एफ एच डायरेक्शन अगर मैं सेम कर दूँ नेगेटिव हो जाएगा, ये इससे कैंसिल. ओके एफ जी, एफ जी हमारा फोर्स, एफ से जी दिस फोर्स, ये फोर्स प्लस ई एच, ई से एच दिस फोर्स प्लस टू जी एफ, यानी कि ये हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ई एच इक्वल है ई से एच फोर्स इक्वल है एफ से जी फोर्स के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है एफ से जी फोर्स के. क्लियर? तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ, एफ जी के प्लेस से मैंने पुट किया ई एच प्लस ई एच, सॉरी जी एफ में ले लीजिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जी एफ है, एफ जी प्लस ई एच किसके इक्वल, एफ जी के इक्वल, एफ जी प्लस यहाँ पे क्या है टू टाइम जी एफ, ठीक है. ये आ जाएगा टू टाइम एफ जी प्लस टू टाइम जी एफ, और ऑपोजिट डायरेक्शन है नेगेटिव हो जाएगा और ये इक्वल टू से, ठीक है. तो हमने यहाँ से दिखाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने यहाँ पे दिखाया कि तीनों फोर्सेस को अगर मैं ऐड करती हूँ तो इक्वल टू जीरो आता है, मीन्स रिजल्टेंट जीरो आ रहा है. इसका मतलब तीनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में. क्लियर? तो हमें दो रिजल्ट यहाँ पर देखने, एक तो हमने ट्रायंगल ला अप्लाई किया है, एक हमें जो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मीट करते हो, तो ये जो आपका डायग्राम मिल रहा है दिस, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स ए सी बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं कि अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल लेके चलती हूँ,
ABCD और हमें दिया गया है कि इनके डायगोनल्स का मिड पॉइंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं। दीज आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और कहते हैं कि यहाँ पे ए और एफ मिड पॉइंट है। ई आप इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और इस लाइन का मिड पॉइंट यानी डायगोनल का ये ले लेते हैं। हमें रिस्पेक्टिवली ई दिया गया है ए सी यहाँ से ए टू सी ये ए पॉइंट है और ये हमारा एफ पॉइंट है। ठीक है सो इसके बाद कहते हैं जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। ई से एफ को हमें मीट करना पड़ेगा यहाँ पे और उसका जो मिड पॉइंट है वो हमें जी दिया गया है। यानी कि अगर मैं इनको मीट करती हूँ जी है इनका मिड पॉइंट। ठीक है सो इसके बाद हमें क्या बताना है जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ देन शो कीजिए द फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय जी ए जी बी जी सी जी डी। जी ए जी से ए हमने यहाँ पे मीट किया जी ए फोर्स जो ये डॉट डॉट में मैं लगा रही हूँ इनका इनको हम जो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखाना है। ठीक है जी ए जी बी जी से बी मीट करते हैं जी बी हो गया और जी सी एंड जी डी जी से सी एंड जी टू डी दिस इज समझ रहे हो। तो हमें यहाँ से जो मैं डॉट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं इन सबको एक लूम कंडीशन में यहाँ पे शो करना है। ओके सो इसको एक लूम कंडीशन में शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम प्रूव करेंगे यहाँ से जी ए प्लस जी बी जी सी प्लस जी डी इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ओके तो हम वैल्यू किसके निकालेंगे जी ए जी बी जी सी जी डी तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि जी ए भी आ जाए जिसमें जी बी भी आ जाए जी सी भी और जी डी लाइन भी आ जाए। अब हमें यहाँ पे देखिएगा अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे बताऊँ आपको यहाँ पे नीचे लिख के बताती हूँ ए ये ई पॉइंट ए सी जी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना आपको कि ये ई पॉइंट जो है मैं ये इसके पैरेलल यहाँ बना देती हूँ ये हमारा जी पॉइंट होगा और जो मैंने यहाँ पे मीट किया है डॉट्स में दिस ए सी जी और इसका जो मिड पॉइंट है ये डायगोनल है ए सी डायगोनल इसका मिड पॉइंट है ई और हमने इसको मीट किया है। ठीक है तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे लैम्डा सो यहाँ पे हम लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय लैम्डा म्यू थ्योरम इन ट्रायंगल किस में ए सी जी में यहाँ पे हमें मिलेगा ए जी ए प्लस जी बी किसके इक्वल होगा इसका मल्टीपल वन है इसका मल्टीपल लैम्डा की वैल्यू वन म्यू की वैल्यू वन ये वन वन हमें कहाँ से पता चलता है ये हमें इस रेशियो से पता चलता है। अगर ई इनका मिड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं अगर ई इसको टू रेशो वन में डिवाइड करता है तो टू टाइम ए जी प्लस वन टाइम जी सी सॉरी जी ए डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अगर ये ई पॉइंट अगर कुछ इस टाइप से होता ई पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारा वन रेशो टू में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ए सी जी तो जी ये हम ऐसे लिखते हैं कि ए जी जी ए प्लस यहाँ पे वन रेशो टू है टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू टाइम जी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आता वन प्लस टू जी ई के इक्वल ये लैम्डा म्यू थ्योरम होती है ना। सो अगर मिड पॉइंट है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू वन वन हो जाती है इसलिए हम इनके जो कॉफिशियंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड करते हैं वन प्लस वन इन टू किसके इक्वल आता है जी ई के इक्वल आता है। ठीक है तो यहाँ से हम देखेंगे तो जी ए प्लस जी बी इज इक्वल टू टू टाइम जी ई ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं जिसमें हमें सेकेंड मिल रहा है इन ट्रायंगल बी जी डी। ठीक है बी डी जी लिख सकते हैं और इसमें हम देखें तो यहाँ पे जी बी प्लस क्योंकि ये F इस लाइन का मिड पॉइंट है और जी बी प्लस जी डी इज इक्वल टू टू टाइम जी एफ जी बी प्लस जी डी इज इक्वल टू टू टाइम जी एफ। ठीक है इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को ऐड कर लेते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें चाहिए वो मिल रहा है हमें प्लस जी डी प्लस ये जी सी आएगा यहाँ पे
मैंने पॉइंट गलत लिख दिया है, जी सी, ठीक है, जी बी, जी सी और जी डी, तीनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया। इनको यहाँ पे मुझे मिल रहा है टू टाइम जी ई प्लस जी एफ। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, जी ई प्लस जी एफ, जी ई प्लस जी एफ। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया गया था, जी इज़ अ मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, ओके, देयरफॉर ई जी इक्वल होगा जी एफ के। अब ई जी इक्वल है जी एफ के, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसकी जो वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जी एफ प्लस ई जी की वैल्यू, यानी इसको मैं माइनस जी एफ लिख सकती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ जी ई इज इक्वल टू माइनस जी एफ। जैसे आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू आ जाएगा जीरो। ये हमें प्रूव करना था कि सभी फोर्सेस को अगर मैं ऐड करूँगी इक्वल टू जीरो आ जाता है, रिजल्टेंट जीरो आता है, तो वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए ट्रांसवर्सल कट्स ऑफ द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ थ्री कंकरेंट फोर्सेज पी क्यू आर इन एलेमन रिस्पेक्टिवली। ये हमें दिया गया है कि एक पॉइंट से कंकरेंट का मतलब, जो एक पॉइंट पर लास्ट में बोला भी गया है कि वो जो पॉइंट है वो कंकरेंस पॉइंट है, यानी एक पॉइंट से हम तीन फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स हम पी ले लेते हैं, सेकेंड क्यू, थर्ड आर ले लेते हैं, या फिर इसको आर ले लीजिए, इसको हम क्यू ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द ओ पॉइंट। ये ओ पॉइंट हमें दिया गया है, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर। फिर कहता है कि इफ़ आर इज द, अच्छा ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल यानी कि ये अगर है कि आर इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पी एंड क्यू, आर हमने रिजल्टेंट ले लिया, पी फोर्स, क्यू फोर्स, ओ पॉइंट पर ये जो मीट करते हैं, एक जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन ले ली हमने, शो करना है पी बाय ओ एल, पी बाय ओ एल, किन पॉइंट पे जो इनको कट कर रही है लाइन, एल और पी क्यू आर को एल एम एन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान से देखिए यहाँ पे अप्लाई करने हैं, फोर्स पी क्यू एल पे कट करती है, क्यू को एम पे कट करती है, आर को एन पे कट करती है, तो ये एन लेंगे हम और ये पॉइंट एम लेके चलेंगे, ठीक है। सो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे, पी बाय ओ एल प्लस क्यू बाय ओ एम इज इक्वल टू आर बाय ओ एन, ठीक है, हम ये कंडीशन यहाँ पे प्रूव करेंगे। सो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, P by OL जो रेशो हमें दिया गया है, सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, P by OL, लेट P by OL इज इक्वल टू लैम्डा एंड Q by OM को हम ले लेते हैं म्यू, ठीक है, सो P इज इक्वल टू लैम्डा इंटू OL, और जो Q फोर्स है, Q फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू, इससे हमें ये पता चल रहा है कि P फोर्स यानी कि OL का जो मैग्नीट्यूड है ना, फोर्स ऑफ ओ एल लाइन, ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से पी फोर्स किसके लॉन्ग है, ओ एल लाइन के लॉन्ग, और इसका मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है, एल ओ एल, ये हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें फोर्स ऑफ ओ एम, ओ एम लाइन का फोर्स, यहाँ से आप देखिए क्यू फोर्स की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है, तो यहाँ से आ जाएगा ओ एम का म्यू ओ एम, ठीक है। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पी एंड क्यू, एंड आर जो फोर्स है वो किसके अलोंग है, ओ एल लाइन के अलोंग है। तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ओ एल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, सिर्फ ये जो ट्रायंगल कट कर रही हूँ, ये एल पॉइंट है हमारा, ये एन पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ओ पॉइंट ये इसको एल एन पॉइंट पर मीट करता है, ये एल पॉइंट, ये एम पॉइंट है, इसको हमने मीट किया, इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या फाइंड आउट किया, लैम्डा ओ एल, इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला, म्यू ओ एम, ठीक है। तो लैम्डा म्यू थ्योरम क्या कहती है, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम इन ट्रायंगल ओ एल एम, एन इज अ पॉइंट ऑन एल एम, एल एन जो पॉइंट है वो एल एम लाइन पर है अप्लाई, जो यहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा म्यू थ्योरम की बात करती हूँ तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसके अलोंग है, ओ एन, रिजल्टेंट अलोंग
लाइन ओ एन इज इक्वल टू लैम्डा प्लस ओ एन प्लस म्यू प्लस ओ एम, लैम्डा इंटू ओ एन प्लस म्यू इंटू ओ एम। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया लैम्डा म्यू थ्योरम। क्लियर? सो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो लैम्डा इन ओ एन प्लस म्यू ओ एम आर अलोंग द लाइन ओ एन, ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ से लैम्डा म्यू थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ एन। क्लियर? यानी कि इसके प्लेस पर मैं ये पुट कर सकती हूँ, ये मैं रिजल्ट मैंने निकाला लैम्डा म्यू थ्योरम से। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ एन। क्लियर? तो यहाँ से हम देख लेते हैं भाई, अब लैम्डा आर बाय लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं हम ओ एल स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पर रेशियो लिया था लैम्डा की वैल्यू म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिखिएगा ओ एन से इसको डिवाइड कीजिएगा। मीन्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको आर डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू नहीं, ओ एन लेके चलेंगे यहाँ पे हम, इसको मैं इसके डिवाइड में ले जाती हूँ आर के डिवाइड में, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा मैंने लिया था पी बाय ओ एन, सो आर बाय ओ एन, एरो चिन्ह आप भी लगाइए, लैम्डा इज इक्वल टू पी बाय ओ एन प्लस म्यू की वैल्यू पुट करें क्यू बाय ओ एन। यही प्रूव करना था हमें, R by ओ एन इज इक्वल टू पी बाय ओ एन प्लस क्यू बाय ओ एन। सो ये रिजल्ट आ जाता है फाइनली। बस ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लैम्मिस थ्योरम का, उसको कवर करेंगे, और जो क्वेश्चन अनसोल्व क्वेश्चन हैं आप उनको ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो इनको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।